नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं वैशाली। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले क्यूरी सेक्टर में आए बर्फीले तूफान की चपेट में आने से गुरदासपुर के कस्बा दीरानगर गांव सिद्धपुर के शहीद हुए 45 राष्ट्रीय राइफल के जवान रणजीत सिंह सलारिया का आज उनके गांव में सरकारी सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर विपुल उज्जवल ने कहा कि शहीद के परिवार को सरकार की तरफ से हर संभव सहायता दी जाएगी। इस मौके पर शहीद जवान की चिता को अग्नि उनकी 3 महीने की बच्ची की तरफ से दी गई। शहीद रणजीत सिंह सलारिया के अंतिम संस्कार पर शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर विपुल उज्जवल ने कहा कि हमें इस जवान पर गर्व है, इसने देश के लिए शहादत दी है। और उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से शहीद के परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। मनभागी घटना भी कह सकते हैं, आप आते बहुत बड़ी घटना भी कह सकते हैं। अपने जिले दे रणजीत सिंह जी, हरबंस सिंह जी जेडे बेटे ने हिमाचल सैक्टर च वीरगति नूं प्राप्त हो गए सी, अवलांच आया सी उत्थे, ते इन्हां दे नाल दे कुछ होर सैनिक भी उत्थे दब गए ते उन्हां दी बैटल कैजुअलिटी हुई है। बहुत ही मुश्किल दिन है आज उन्हां पेरेंट्स दे लई। बहुत यंग सी, छोटी बेटी है इन्हां दी। पंजाब सरकार वल्लों ते सेंट्रल गवर्नमेंट वल्लों जिहड़ियां भी सहूलतां इन्हां नूं मिलणियां, असीं रिक्वेस्ट करांगे कि जल्दी तो जल्दी सैनिक भलाई महकमे वालों इन्हों दी जा। मैं इन्हें पूछ रहा है, पता लगे कि इन्हों की जी वाइफ ने वो बीए पास है। सो दिलचस्प कोशिश करांगे कि जल्दी जल्दी कागजात की चैक करवा के, तो मैंने ये भी पता लगे है कि अकेले से जेडे कि परिवार को सामभ के रखे से, छोटा ब्रदर भी मतलब कम नहीं कर पा रहा। तो आवर साइड सब तो पहला कमिटमेंट साढ़ा यह है कि जो इन्होंने परिवार को कुछ जॉब दिलवानी है इन्हें वाइफ में, वो असं फास्ट तो फास्ट ट्राई करा। तो जो बाकी जी सहूलत है जी सरकार वालों दी जाती है, वो भी जल्दी से जल्दी देवांगे। तो पंजाब सरकार वालों, जिला गुरदासपुर वालों, तो सारे वालों मैं बहुत बहुत शत नमन करना हूँ। जेडे रणजीत सिंह जी की जी आज की शहादत है, तो मैं आस करता हूँ परम पिता परमेश्वर को कि परिवार को यह दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। वो भी असी करांगे, वो भी जिदा परिवार की जी चाह होगी वो बेसिस पर। एक बार अभी ये वक्त नहीं इन्हां दे नाल गल करन दा, जो वंस थोड़ा सा ठीक होने तो बाद असं पूछांगे। जिन्हां दे मन च कोई भी चीज़ है, विल डू आवर बेस्ट। उपर काम काज ही जो भी है आई, तो सानू मैनू पता लगा भी मतलब इदा दा उहदा शहीद हो गया, बर्फ दे नीचे आ गया। मैनू बहुत दुख होया, मैं बड़ा परेशान ही। एक कमाने वाला ही मेरा बच्चा, उहदे सहारे ते अहीं जींदे ही। तो मेरा कोई हल नूं करो तुसीं, जो भी करना सरकार वालों अं चाहते। मेरी नूह नूं नौकरी लगनी चाहिए, सानू पेंशन लगनी चाहिए जी। मेरा कुछ नहीं है, जमीन नहीं है, जायदाद कुछ नहीं है, एक मरला नहीं है। रवि कुमार साहब 45 RR, जो कि मेरे साथ जवान था सिपाही रणजीत सिंह, जो कि -30 टेम्परेचर से अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद हुआ। मेरा उस पर मान है जो शहादत के लिए शहीद हुआ है। यूनिट पे वहाँ पे टोटल 4 जवान शहीद हुए सर, मचल सेक्टर के अंदर है जी सर। काफ़ी हाइट होगी वहाँ, हाइट बहुत है, कम से कम 11,500 की हाइट है। वहाँ पे बर्फ का टेम्परेचर जो है -30 डिग्री पे चल रहा है। यहाँ पे जवान जो ड्यूटी कर रहे हैं बहुत कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी दे रहे हैं, तो हमें उन पे मान होना चाहिए जो देश की रक्षा कर रहे हैं, और उनकी यादगिरी भी बनाई जाएगी। इस मौके पर नम आंखों से शहीद के पिता ने कहा कि उन्हें अपने बेटे की शहादत पर गर्व है, उसने अपने देश के लिए अपनी जान दी है, और दुख इस बात का है कि उसके घर में और कोई कमाने वाला नहीं है। उनका एकमात्र सहारा उनका बेटा ही था। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। प्राइम न्यूज 24 के लिए गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट।